Hadi Gold, an Islamic record label. दो दो चार चार घंटे, क्योंकि मनु सर्दियों की रातों में छत के ऊपर बैठ के बातें करते हैं और आखिर में फिर गाड़ी के पीछे वो लिखते हैं बेवफा, साथ नाम लिखते हैं ना जो भी है उसको क्या बोलते हैं बेवफा। मैंने कहा इससे जिसमें पता थी बेवफा करनी उसे वफा करने की ज़रूरत क्या थी, वफा उनसे कर जिससे सरकार से पत्थर मोहब्बत करें। सरकार फरमाते हैं ये ओद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, ओद पहाड़ को पत्थर कहे ना, फरमाया ओद पहाड़ मुझसे मुझसे मुझसे, सरकार को इलम है ये ओद पहाड़ मुझसे सारी कायनात हुज़ूर से मोहब्बत करती है। आपने रिप्लाई क्या दिया देखें, सरकार ने फरमाया ओद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओद पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। जितना इधर टाइम देना है ना इसमें 12 मिनट आप दरूदे पाक के निकालें, 12 मिनट आप दरूदे पाक का पैके लगाएं। हमारे एक सने भी बता रहे थे मदनी काफिले के अंदर है अभी भी हमारा पढ़ने वाले में, वो 63 दिन का कोर्स में आए हुए हैं, कहते हैं मैंने 26 दिनों में 2,00,000 मरतबा दरूदे पाक पढ़ा है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है। ठीक, वो पैकेज छोड़ें कितना घंटे बात कर ली, इधर करके देखें। ठीक है, दूसरा जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, नमाज मेरी आँखों की, नमाज मेरी आँखों की, तो ये कौन पढ़ेंगे? ये तो हम शेर पढ़ते हैं, महबूब की महफिल को आते हैं भाई जिनको, आते हैं भाई जिनको, क्या सरकार नमाज़ों पे नहीं बुलाते हैं? आते हैं भाई जिनको नमाज़ों पे नहीं बुलाते। नमाज इतना आम फ़र्ज है, इतना आम फ़र्ज है। वो जलील कदर सहाबी खलीफा दोम हजरत अमीरुल मोमिनीन फरूक आजम रदी अल्लाह ताला नो ये नमाज फजर पढ़ा रहे थे, नमाज की हालत पर आप में आप पर हमला हुआ, इस कदर शदीद था हमला कि खून इतना निकला कि बेहोश हो गए, इसी बेहोशी के आलम में उठाकर घर ले गए। अल्लाह अकबर, ये वो उम्र हैं जिनके बारे में फरमाया मेरे बाद कोई नबी आना होता तो कौन होते? उम्र नबी होते। जब होश आई ना करीब जितने खड़े थे उनको ये नहीं कहा कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मुझे जख्म कहाँ लगे हैं, किसी डॉक्टर तबीब को जरार को बुलाया? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन रदी अल्लाह तआला उनकी जबान पर एक ही लफ्ज़ा जब आँख खुली ना, पूछा क्या नमाज का टाइम है, क्या अभी सूरज तो नहीं निकला? लोगों ने अर्ज किया हुजूर अभी तक सूरज नहीं निकला, तो आपने फरमाया मेरा रुख किबले की तरफ कर दो। आपका रुख किबले की तरफ कर दिया, आपने इशारे के साथ नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जितने पास खड़े थे उनको फरमाया नमाज के बगैर इंसान किसी काम का? ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में फरमाया मेरे बाद कोई नबी आना तो उम्र नबी होते। नमाजों का इतना इतमाम है, बेहोश हैं, होश आई तो किसका सवाल किया? नमाज का आज नमाज नहीं पढ़ती।